इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक रूपों से पाइए छुटकारा आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। हम कभी दरोगा किसी के पास जाते दरोगा जी कहते हमें कि तुम कहीं भी जाओ तुम्हें अब ढिया नहीं मिलेगा। हमारी बस अड्डे की समस्या है सर जी, हमारा ढिया कब्जा करवा दिया पुलिस वालों ने, मार पीट के। हम मानी हम तो सर जी से योगी जी से मिलने आए हैं, हम योगी जी से मिलने आए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पर कुछ नहीं, हम उनसे मिलके जाएंगे, उनसे शिकायत करके जाएंगे। नहीं सर, हम नहीं जाएंगे कहीं भी, नहीं हमारे पास परमिशन है सबको। इस वक्त हम गाजियाबाद में है जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, वाल्मीकि कॉलोनी में। यहाँ एक परिवार है जो योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहता है, लेकिन पुलिस उन्हें धक्का मार के यहाँ से निकाल रही है। क्यों निकाल रहे हैं आप? अरे हम नहीं, आप ऐसे हटा रहे हो? नहीं नहीं, आप बताइए क्यों निकाल रहे हैं? आइए आइए, क्या नाम है आपका? नाम क्या नाम बता दीजिए। आइए आइए, अरे इधर आइए भाई, चले मिलवा लो आपको, बताइए भाई मिलवाए आपको, आइए मिलवाए। सर सर ये बताइए, परिवार मिलना चाहता है, आप लोग किस प्रोटोकॉल के तहत आप लोग यहाँ से हटा रहे हैं, ये तो बताइए। आप हटा आप रहे हैं, गाड़ी में आप डाल रहे हैं, किस प्रोटोकॉल के तहत लेके जा रहे हैं? छोड़िए भाई, क्यों सर ये तो बताएंगे किस प्रोटोकॉल के तहत इनको ले जा रहे हैं, किस बेस पे आप लोग हटा दे रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग क्या मनमानी करके रखे, क्या बोला? तो यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के इस वाल्मीकि कॉलोनी में आने वाले हैं, वो जनसंपर्क यात्रा करेंगे अपना। एक परिवार है गाजियाबाद के सब्जी मंडी में जो दुकान चलाता है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। हालांकि यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस परिवार को यहाँ से लगातार धक्का देते हुए साइड ले जा रहे हैं, और परमिशन मिलने की परमिशन ना होने का हवाला देके उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। हालांकि ये एक राजनीतिक जनसंपर्क रैली है। भाई साहब क्या कहानी है? हम कभी दरोगा किसी के पास जाते दरोगा जी कहते हमें कि तुम कहीं भी जाओ तुम्हें अब ढिया नहीं मिलेगा। हम योगी जी से मिल रहे हैं, हमारी एक मेरे से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस हमें कुछ नहीं दिलाने के लिए, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हमें बच्चे के साथ लिया बच्चा, क्यों इनको क्यों हटाया जा रहा है? मिलवाते मिलवाने जाना, मिलवाना मिलवाना है ना, मिलवाना, जनसंपर्क है यहाँ पे। हालात हैं इस वक्त गाजियाबाद में जहाँ एक परिवार छोटे से बच्चे के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने आया है, लेकिन पुलिस धीरे धीरे इस परिवार को यहाँ से हटा रही है और गाड़ी में बिठा रही है। गाड़ी में बिठा के कहाँ ले जाएंगे? अरे भाई यहाँ नहीं मिलेंगे ना, ये क्या मतलब है? ये आप बीजेपी से हैं? हाँ जी। क्या नाम है आप? शिव प्रताप सिंह। ये परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहता है, तो आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? नहीं, कोई भी होता है तरीका होता है, प्रोटोकॉल के तहत मिलते हैं। आज तो जनसंपर्क में आ रहे हैं ना, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत बिजी शेड्यूल है, चुनाव का टाइम है, ऐसे मिलना कोई संभव नहीं है। आज जनसंपर्क में आ रहे हैं ना, जनसंपर्क में आ रहे हैं, प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, अगर इनके पास परमिशन होता है मिलते अवश्य मिलते, जनता से ही तो मिलने आ रहे हैं वो। इनको समय लेना चाहिए ना भैया, जनता से मिलने आ रहे हैं ना, प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, प्रचार करने जनता से मिलेंगे ना, वोटर से मिलेंगे ना, बिल्कुल मिलेंगे, मिलेंगे जनता से मिलेंगे। ये तो वोटर ही है ना ये परिवार, आप लोग मिलवाने की बजाय रोक रहे हैं। नहीं बिल्कुल मिलवाते, हमारे पास आते तो ये विपक्ष से आप मिलवाने जाएंगे उनको, ये विपक्ष का सुनाने जाएंगे, ये भी बात का जवाब दीजिए, आप उनको मिलवाने जाएंगे नहीं? ये विपक्षियों का षड्यंत्र है, अगर कोई इनको दिक्कत होती है तकलीफ होती है। एक मिनट, वो परिवार फरियाद लेके आया है जी अपने मुख्यमंत्री के पास जी, आप यहाँ बीजेपी के पदाधिकारी हैं जी, तो आप मिलवा उनकी मीटिंग फैसिलिटेट कराएंगे कि नहीं कराएंगे? हमसे मिले आप अभी तक ये लोग? अगर हमसे मिलते हैं, मैं अभी मिल लिया, हम अपने पदाधिकारियों से बात रखते हैं, माननीय विधायक अभी करते हैं हम, हाँ बिल्कुल मिलवाएंगे। तो ये हालात है। दूसरी तरफ पुलिस जो है आप देख लीजिए, इनको ले जा रही है और उस परिवार को धीरे धीरे
उस जगह से हटा दिया गया है जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसंपर्क के लिए आ रहे थे। पुलिस इस पूरे परिवार को यहां से हटा चुकी है। परिवार के जो मेंबर्स हैं वो रो रहे हैं, छोटे से बच्चे के साथ यहां पे आए थे, अपनी बीवी के साथ आए थे। आप अपना नाम एक बार भाई साहब बताएं। मेरा नाम सोनू है। और पूरी बात एक आराम से आप थोड़ा सा बताएं। सर हमारा पुराना बस अड्डे सब्जी मंडी में ठिया था, जिस ठिए पर हमारे फादर करते हुए 20-22 वर्षों से करते हुए चले आ रहे हैं, उस पर अन्य व्यक्तियों के साथ 22 तारीख को दरोगा जी से मिलकर और कुछ लोग हमारे जो रिश्ते में हमारे चाचा लगता है उन्होंने हमारे ठिए पर कब्जा किया है। अब हम पुलिस के पास जाते हैं। जब हमें SP साहब ने भी बोला था कि जिस पुलिस वाले ने आपको पुलिस जब दिला सकती है बिना परमिशन के तो इन्हें दोबारा दिला भी सकती है इनका ठिया, तो उस पर भी हम DM के पास जा रहे हैं, SSP के पास जा रहे हैं, कभी कप्तान साहब के पास जा रहे हैं, SHO साथ जाते हैं। SHO नहीं सुनी जा रही। आपका नाम क्या है? मीनू। आज किससे मिलने आए? सर हमें जब हमारी किसी ने फरियाद नहीं सुनी, हम योगी सर से मिलने आए थे, इसीलिए अपनी फरियाद ले। हाँ जी यही फरियाद है कि हमें सर एक महीने से टिया नहीं दिया, हमारे लोन पे आज भी लेके अपने घर से पानी चला। तो ये लोग यहाँ रो रहे हैं, एक तरफ पुलिस इनको रोक रही है, दूसरी तरफ BJP के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये परिवार कुल मिला के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से के सामने एक फरियाद लेके आया था, मिलने की कोशिश कर रहा था। आज मुख्यमंत्री जनसंपर्क रैली में आ रहे हैं, वोटर्स से मिलने आ रहे हैं। उसी बीच एक और परिवार वोटर है उत्तर प्रदेश का, वो मिलना चाह रहा था लेकिन पुलिस ने उनको रोका और बाद में BJP कार्यकर्ताओं ने भी लगातार नारेबाजी विरोध में करनी शुरू कर दी है। और अब आप देख सकते हैं इस गाड़ी में बिठा के उस परिवार को यहाँ से उस स्थल से बाहर ले जाया जा रहा है जहाँ पे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री अभी जनसंपर्क रैली करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक दास के साथ मैं अमित भारद्वाज,